ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। यहाँ पे बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान कयास लगाकर बैठा है कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेला जाएगा। 1996 के बाद से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ है। हालांकि अभी फिलहाल बीसीसीआई ने, इंडियन बोर्ड ने और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने का कोई भी फैसला नहीं किया है। और मोइन खान ने पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील कर डाली है कि अगर इंडिया नहीं आता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी इंडिया नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आईसीसी के कमिटमेंट को इंडिया को पूरा करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। इसके अलावा 1992 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर मोइन खान ने इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज को लेकर भी अपनी राय रखी है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे मोइन खान ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या कहा है, बायलैटरल सीरीज को लेकर क्या कहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने प्रोबो डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए डिस्क्रिप्शन पर और प्रोबो को क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, आसान से सवालों के जवाब दीजिए और जीतिए लाखों के इनाम। सवालों के जवाब येस और नो में आपको देने होंगे। चलिए अब देखते हैं मोइन खान ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है। और अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मोइन खान ने कहा, भारत को आईसीसी की कमिटमेंट का सम्मान करना चाहिए, आईसीसी की कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो पाकिस्तान को भी भारत में भविष्य के टूर्नामेंटों में भाग न लेने का रुख अपनाने पर विचार करना चाहिए। तो ये जो है मैसेज उन्होंने पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिया है कि अगर इंडिया ये कमिटमेंट ऑनर नहीं करती है तो पाकिस्तान को भी भारत में फ्यूचर के टूर्नामेंट्स में भाग न लेने का रुख अपनाना चाहिए। आगे क्या कहते हैं मोइन खान, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका कहना है, मेरे विचार से भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को बीसीसीआई को सलाह देनी चाहिए कि वो खेलों को राजनीति से अलग रखें। दुनिया भर के प्रशंसक चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान खेले, इससे न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे खेल को फायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि इंडिया के जितने भी लेजेंडरी खिलाड़ी हैं वो बीसीसीआई को सलाह दें कि आप जो है पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को अलग अलग रखें। और यहां पर उन्होंने बायलैटरल सीरीज की बात की है। इंडिया पाकिस्तान की अगर बायलैटरल सीरीज की बात की जाए तो लास्ट बायलैटरल सीरीज 2012-13 में खेला गया था और लास्ट टाइम इंडियन टीम वेंट टू पाकिस्तान इफ आई एम नॉट रॉन्ग वॉज इन 2006, राहुल द्रविड़ की कप्तानी के अंदर गए थे और उसके बाद पाकिस्तान टीम इंडिया कभी नहीं गई है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी में होना है और पाकिस्तान में होना है। इसको लेकर मोइन खान का कहना है कि अगर इंडियन टीम नहीं आती है तो सख्त रूप अपनाना चाहिए पीसीबी को, और पीसीबी को पाकिस्तान की टीम को कभी इंडिया नहीं भेजना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आईसीसी के जितने भी कमिटमेंट्स हैं उसको ऑनर करना चाहिए इंडियन टीम द्वारा। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फिलहाल बीसीसीआई इंडियन बोर्ड ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर, और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। जाते जाते आपको बता दें, ऐसी सारी खबरें लगातार आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलती है। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ऐसा करने से आप एक भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। और अब तो क्रिकेट सीजन स्टार्ट होने वाला है। एज फार एज इंडियन टीम इज कंसर्न, लगातार टेस्ट मैचेस खेलती नजर आएगी इंडियन टीम, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से होगी, जहां इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने होंगे पहले टेस्ट मैच के लिए, जो कि चेन्नई में खेला जाएगा, उसके बाद कानपुर, उसके बाद लगातार जो है आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलती नजर आएगी,
फिर द वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत होगी 22 नवंबर से पर्थ में। तो अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें मिस ना हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा thesportstak.com पर भी सारी खबरें पढ़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।